हेलो माय फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आपका भाई आज एक बहुत ही शानदार वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आया है, गुलजार भाई का, जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में बाबू दे गया, एकदम न्यू वीडियो। इस वीडियो को आप बना के कोई सी भी सोशल मीडिया पर अपलोड करोगे तो आपका भी वीडियो वायरल होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी देख सकते हो कि इसमें अभी तक 5 से 6 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। तो दोस्तों, जल्दी से बनाते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों, आपको काइनमास्टर को ओपन कर लेना है, मैंने पहले से किया हुआ है। तो आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और 16 और 9 वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो पहले आपको कुछ फ़ोटो सिलेक्ट करनी है बैकग्राउंड के लिए। तो पहले फ़ोटो सिलेक्ट करने के, मैं यहाँ पर गुलजार भाई की कुछ इमेज है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने कुछ इमेज सिलेक्ट किया। तो दोनों उंगली टैप करके जूम कर लेता हूँ। इनका थोड़ा सा जो ड्यूरेशन है, इन सभी फ़ोटो का थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो इतना काम हमारा हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस पहले वाले प्लस पर टैप करना है। और दोस्तों, ऐसे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको ये वाला इफेक्ट दिख रहा है दोस्तों, इसको आपको डाउनलोड करना है। मैं आपको एंड में बताऊंगा इसको कैसे डाउनलोड करते हैं। तो पहले इस पर टैप करता हूँ, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लास्ट तक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। इसी तरह से आपको सभी प्लस पर इस इफेक्ट के जितने भी आपको यूज कर लेने हैं, इस तरह से आप देख सकते हो। मैं एक बार यहाँ पर फटाफट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से ये इफेक्ट यूज़ कर लिया है। तो आपको स्टार्ट में आना है, फिर आप एक बार लेयर में जाना है और आपको ये इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप कर देना है और आपको यहाँ पर बेसिक इफेक्ट यूज़ कर लेना है। आपको फर्स्ट वाला यूज़ कर लेना है, ओके पर टैप कर देना है और आपको इसका ड्यूरेशन जो अपने जो वीडियो का है उतना रख लेना है। इसके बाद इस एरो पर टैप करके कुछ इस तरह से आपको फुल स्क्रीन में से आपको पूरा ब्लर कर देना। आप देख सकते हो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आपको क्या करना है, पहले अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेना। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो मैं आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हो हमारा पहला स्टेप हो गया, यहाँ पर एक्सपोर्ट भी हो गया। तो बैक आना, एक और बैक आ जाना है, फिर से आपको प्लस पर टैप करना और आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, 1.1 वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप कर देना है। तो दोस्तों, आपको इसमें और अपने कुछ इमेज सेलेक्ट करनी है। तो मैं आपको एक बार मैं वही इमेज सेलेक्ट कर लेता हूं। आप अपनी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, गुलजार भाई की कर सकते हो, किसी और की भी कर सकते हो। शानदार वीडियो बनने वाला है हमारा। तो मैं एक बार फिर से यही इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी जो ड्यूरेशन है उसी तरह से मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इसकी भी ड्यूरेशन जैसे हमारा वो एक्सपोर्ट किया था वो 12 सेकंड का था, तो इसी तरह से हमें इसका भी ड्यूरेशन जो है कर लेना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि दोस्तों, मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता। तो इतना काम होने के बाद एक मैं बात बताता हूँ, पहली इमेज पर टैप करना है। तो कुछ इस तरह से आप देख लेना कि अगर आपकी इमेज सही नहीं है कुछ इस तरह से, तो आपको इस तरह से जूम करके इक्वल करके यहाँ पर पूरी परफेक्ट शेड कर लेनी है पूरी इमेज को। और दोस्तों, अब हमें यहाँ पर एक और इफेक्ट यूज करना है जो काइनमास्टर में अभी लेटेस्ट है, नया आया है, उसका ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उस इफेक्ट को ऐड करने के लिए आपको इस पहले फोटो पर टैप करना है, स्लिप ग्राफिक पर जाना है और आपको नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से आपको फोटो प्रिंट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप कर देना है, कुछ इस तरह से आ जाएंगे। तो दोस्तों, इसको भी मैं आपको एंड में बताऊंगा कैसे आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले पे मैं पहले वाला इफेक्ट यूज़ कर लेता हूँ, दूसरे पर दूसरे वाला कर लेता हूँ, इसी तरह मैं ये सभी इफेक्ट यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। जल्दी जल्दी यही आपको यूज़ करने हैं सेकेंड वाले पर। ये काम कंप्लीट होने के बाद दोस्तों, आपको लेयर में जाना है, फिर से इफेक्ट में जाना है और आपको यहाँ पर ऑटो एच डी आर वाला ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप कर देना है। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, राइट पर टिक कर देना। इसकी ड्यूरेशन जो है कुछ इस तरह से बढ़ा लेनी है और इसको यहाँ से फुल स्क्रीन कर देना है और राइट पर टिक कर देना है। तो दोस्तों, हमारा सेकेंड स्टेप भी पूरा हो चुका, तो इसको भी एक्सपोर्ट कर लेना है। फिर से आपको प्लस पर टैप करना है और 16 और 9 वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर जो आपने फर्स्ट में वीडियो एक्सपोर्ट किया था कुछ इस तरह से, मैं आपको दिखा दूँ ये वाला, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, स्टार्ट में आ जाना है। उसके बाद फिर से आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, जो आपने सेकेंड वाला वीडियो एक्सपोर्ट किया था वो यहाँ पर ले आना है। और आपको दोस्तों कुछ इस तरह से आपको टेढ़ा कर लेना, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर देना है और आपको यहाँ पर बीच बीच एडजस्ट कर देना है, यहाँ पर शेड कर देना है, एक बार राइट पर टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको एक इफेक्टेड वीडियो का लिंक मिलेगा, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लेयर में जाना होगा, मीडिया में जाना होगा, जो आपने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से आपको फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर लेना है, स्लिट स्क्रीन एक बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, आपको ब्लेंडिंग में जाना है और आपको यहाँ पर स्क्रीन में टिक कर देना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसकी लंबाई जो है कम है, तो आपको क्या करना है, 3 डॉट में जाना है, डुप्लीकेट ले लेना है और आपको क्या करना है, इस पर कुछ इस तरह से टैप
टैप करके कुछ इस तरह से आगे ले आना है और आपको इस पर टैप करना है, इसे नीचे स्क्रॉल करना है, इस नीचे वाले पर टैप करना है, कैंची पर जाना है और ट्रिम टू लैपटॉप प्ले हिट कर देना है। इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। इसका अगर जैसे साउंड आए तो आपको यहाँ से बंद कर लेना है दोनों का, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर म्यूट कर लिया दोनों का। और बॉर्डर वीडियो का लिंक मिलेगा आपको, बहुत ही मस्त है, उसको आपको डाउनलोड करना, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और अपनी गैलरी से वो वाला वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना कुछ इस तरह से। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना, फिर से ब्लेंडिंग में आपको जाना है और आपको यहाँ पर स्क्रीन में कन्वर्ट इसको भी कर देना है, राइट पर टिक कर देना, फिर से इसी पर टैप करके कुछ इस तरह से आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है और इसको आपको यहाँ पर शेड कर देना है और ओके कर देना है। इसका साउंड आए तो आपको यहाँ से बंद कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब आप यहाँ पर इस बॉर्डर में एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर किसी की भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो और जो आप चाहो उसके सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक बार यहाँ पर गुलजार भाई की करता हूँ। तो आपको फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और दोस्तों देख सकते हो मैं यहाँ पर गुलजार भाई की ये फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे स्क्रॉल करनी है। आपको क्रॉपिंग में जाना है, यहाँ पर मास्क को ऑन कर देना है, यहाँ पर शेप पर क्लिक करना है और गोल वाला शेप आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर गोल शेप में बराबर एकदम सेट कर लेना है। फिर से आपको इस पर टैप करके कुछ इस तरह से जूम कर लेना है, यहाँ पर इस शेप में यहाँ पर आपको सेट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको थ्री डॉट में जाना है, सेंड टू बैक कर देना है और आपको इसकी ड्यूरेशन जो है कुछ इस तरह से बढ़ा लेनी है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो और राइट पर टिक कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाली जो फोटो है मैंने एक ही सिलेक्ट की है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों आप यहाँ पर एक ही फ़ोटो सेलेक्ट करो, आपको बहुत सारी फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। और ज़्यादा फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, ऐसे कुछ इस तरह से स्क्रॉल करना होगा, कैंची पर जाना होगा, स्लिप एट प्ले हिट कर देना होगा, फिर से आगे स्क्रॉल करना होगा, फिर से आपको दो भाग करने हैं। इस तरह से आपको कुछ जितनी फ़ोटो रखनी है उस तरह से आपको दो भाग चार भाग कर लेने हैं, जितने भी भाग किए उस तरह से आप उन सभी भागों में फ़ोटो लगा सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक लगाए, तो मैं आपको एक और बता देता हूँ। तो इस फोटो पर टैप करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, फिर से आपको लेयर में जाते हैं और मीडिया में जाते हैं और एक और फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाली कर लेते हैं, इस फोटो को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर से आपको क्रॉपिंग में जाना है, यहाँ पर मास्क को ऑन कर देना है, शेप में जाना है, गोल वाला शेप यहाँ को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसका जो शेप है कुछ इस तरह से गोल कर लेना है और ओके कर देना है। इसकी लंबाई आपको इतनी ही रखनी है इस, क्योंकि इसके बाद हमारी दूसरी फ़ोटो आएगी। तो इसको यहाँ से ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर देना है, फिर से इसी पर टैप करना है और आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको सेट कर देना है। छोटी हो ये फ़ोटो तो आपको यहाँ से तीर पर टैप करके कुछ तरह से जूम कर लेनी है और आपको यहाँ पर थ्री डॉट में जाना है और आपको यहाँ पर सेंड टू बैक कर देना है और ओके कर देना है। इसी तरह से आपको फ़ोटो ऐड कर लेनी है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर एक आगे इंट्रो वीडियो लगाना है, तो आपको मीडिया में जाना है, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते हो ये वाला वीडियो हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों इतना काम तो हमारा आप देख सकते हो गया। अब आपको यहाँ पर साउंड ऐड करना है। अगर दोस्तों आपको पास इस सॉन्ग वाला साउंड है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको ऐड करने के लिए आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और मैंने यहाँ पर साउंड दिया हुआ है इस वीडियो पर, आप देख सकते हो इसमें साउंड है। इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अगर नीचे स्क्रॉल करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर टैप कर देना है, इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देना है, तो हमारे यहाँ पर ऑडियो आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बार यहाँ पर वीडियो चला के दिखा देता हूँ, पूरा नहीं दिखा सकता, थोड़ा वीडियो जरूर चला के दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो दोस्तों मैं पूरा नहीं बजा सकता, कॉपीराइट आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों करते हैं इस हमारी वीडियो को गैलरी में शेयर। तो आपको शेयर वाले ऑप्शन पर टैप करना है और आपको यहाँ पर कोई भी क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में बता देना आपको वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वो इफेक्ट जो है आपको कैसे डाउनलोड करने। तो सबसे पहले अपने मोबाइल का डाटा यहाँ से ऑन कर लेना है, मीडिया वाले कोई भी वीडियो पर टैप करना है और आपको ये वाला स्लिप ग्राफिक्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक कर देना है। आपको ये फोटो प्रिंट डाउनलोड करना है तो इसको भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सभी चीज़ें इसी में मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गेट मोर में जाना है और दोस्तों आपको यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ पर ढूंढ लेना है, मिल जाएगा। अगर आपको इस तरह से इस स्टेप में नहीं मिले तो आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, इन सभी में आपको वो सभी इफेक्ट मिल जाएंगे, आपको ध्यान से ढूंढ लेने, आपको सभी मिल जाएंगे।
और आपको मैं आपको बताता हूँ प्लस वाला इफेक्ट आपको मैं बताता हूँ। तो प्लस पर टैप करता हूँ, आपको प्लस वाला मैंने ये वाला इफेक्ट लगाया था। तो इसको इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्लस पर टैप कर देना होगा, नीचे फिर से आपको गेट मोर में आना होगा और आपको यहाँ से वो इफेक्ट भी मिल जाएगा। आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन है, इन सभी में आपको मिल जाएगा, आप अपने आसान तरीके से ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।